दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज भाई आसी अनाज मंडी में आए थे और फिलहाल भाई दाना के भाव बतावांगे आपने भाई के बाजार चल रहा है। तो फिलहाल भाई खूब दाना लाग रहे हैं भाई, मंडी लबालब भरी है, तो थोड़ी भी खाली जगह को नहीं भाई, दबा दब किसान भाई लान लाग रहे हैं। तो भाई 11-21 दान आन लाग रहा है, 17-18 आन लाग रहा है, 15-09 आन लाग रहा है। तो भाई सबसे पहले आपने ये दो डेरी दिखावांगे 11-21 की। तो भाई एक डेरी यह है 11-21 की, 4200 रुपये पे क्या है भाई वो दान। अरे दाने हैं इसमें, उसका कारण भाई मंदा है वो। और या अगली डेरी देखांगे भाई, ₹4665 रुपये यो बिक रहा है दान, ₹4665 रुपये 11-21 हाथ की कटाई के दान भाई। तो भाई ये दिखा दें भाई, दबा दब दान आन लाग रहा है और ये देखा जाए भाई, किसान से ही बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। नाम के जी अपना? दलीप सिंह। गांव कौन सा है? सी। तो कौन सा धान ले रहे थे आप? 11-21 बिक लिया। बिक लिया। ये भाव बिक गया 4551। तो ऊपर तो 4650 के बाजार है वहाँ से, क्वालिटी का फर्क। अच्छा, हाथ की कटाई का था आपका? हाथ की कटाई का। तो कितनी के औसत लकड़िया हुआ है किलो में? कुछ नहीं बेरा जी, किसी में बाद लकड़िया हुआ, किसी में बारिश की कमी से, बारिश की कमी के होने के कारण से किसी में बाद भी लकड़िया हुआ, किसी में घाट भी लकड़िया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, क्या पैदावार किसी की रही है? नहीं, पैदावार तो बारिश में कम रही है, बहुत कम रही है, बारिश को नहीं हुई ना जमा भी जी। हाँ, उसके वजह से कम पैदा हुई है। तो लगभग कितने मन का औसत कम की पैदावार आ रही है? कम तो सारी 11-15 मन की उस तारीख कम से कम भी। हाँ, और ऊपर आगड़ा 60 पे भी जा रहे हैं, जो पानी का बढ़िया पानी लाग गए हैं ट्यूबलों के और नहर के, वो 60 भी जा रहे हैं, 55 भी, 50, 45, 40, 30, 35 और कम से कम 15 से, इससे नीचे नहीं, इससे ऊपर। तो एक बात बताओ भाई, फिलहाल मंडी में खूब धान आने लग रहा है? छकमा धान आने लगा, कोई आगड़ा ही नहीं, गदा गद। बोली लाग है वैसे बोली तो लाग दी है। अच्छा। हाँ, वाली तो लाग दी है, नहीं भी गदागद वाणिया लिया पकड़ पकड़ के लेने वाले नरबशाल मर्जी का भाव लगा रहे। तो आप आज ले आए थे के कल ले आए थे? कल भी ले आए थे, आज भी ले आए, हाँ परसों भी ले आए थे। अच्छा, उसी दिन बिक गया है? हाँ बिक गया, तो उसी दिन है। छुट्टी भी हो इस मंडी की किसी बार की? भाई छुट्टी को नहीं, ये तो छुट्टी है नहीं सीजन पे, तो सीजन पर तो कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं सीजन पर तो। हाँ, तो यो 11-21 बोया करो, और भी बोया करो ना? 17-18-11-21 हमारे गांव में तो सबसे ज्यादा यो ही, और 15-09 भी वो है। अच्छा, 17-18 क्या की रेंज रह जा बाम में? यो ही के घर आज के बाद 43-43, 42-42, 70-80-61 ये भाव रहते हैं, 81 तक जाते हैं। तो उसकी पैदावार इस 11-21 तक ज़्यादा निकला है 17-18 की? 17-18 ज़्यादा निकले और थोड़ा हल्का पानी में भी पैदा दे दी। तो 11-21 खातर बढ़िया पानी चाहिए? 11-21 खातर तो एक नंबर का पानी चाहिए। हाँ, ये 17-18 में हल्का पानी तक पैदावार हो गया है और 11-21 कौन दे हुआ पैदा हल्का पानी में। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों भाई ये दिखा दें आपने और देखांगे डेरी पे भाई कौन सी डेरी के भाव बिक रही है। तो भाई एक बार किसान से बात कराएं। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम जी। नाम के जी अपना? विनोद। गांव कौन सा है? गड्डी जी। गड्डी। तो कौन सा धान ले रहे थे? 17-18 धान ले रहे थे। तो के भाव बिक गया है? यो जी 4280 रुपये दिया है। 4280 हाथ की कटाई का है? हाथ की कटाई, जड़ाई, हाथ की सारा कर दे, नहर के पानी।
तो 4280 रुपये। तो एक भाई ये धान दिखा दें भाई आपने, तो 17-18 है ये धान है। अच्छा तो ऊपर में कह रहा है 17-18, ऊपर में 4500 ताई बिके। तो कितना के खर्चा आ जाए धान पे? धान बगना है खर्चा आ जाए, ये खर्चा में जाएंगे भाई। हाँ बाकी की बचत बचत कुछ नहीं, बचत की महावीर गड़ी भाई। हाँ अच्छा 2200, तो कि में बचाएगा के खर्चा खर्चा हो जाए, खर्चा खर्चा पूरा होगा। बारिश को नहीं नहीं खर्चा पूरा होगा। तो कितनी कह मन की औसत घाट रही भी? कह घनी घाट रहेगी, 30 मन किले जाने हैं, नहीं 50 मन किले की डानो हर। तो इस पर तो फिर तेल ले तेल ज्यादा बढ़िया है, तेल ले तेल बढ़िया है। एक भाई किसान तहीं तो और बात करांगे। हाँ जी बताओ बोलो। महा के तो पेट्रोल पर पाले बनेंगे यार, के बनेंगे भाई, एड़ती और कौन बनेगा है? एड़ती भी फंसी गड़ी गड़े, एड़ती क्या तो फंस गए, क्या के दान तो सही कोई नहीं। मध्य जमींदार कर दे लिया कर के खर्चा चला होगा, जमींदार कर दे कर पीछे लिया होगा। ये 15 मन 20 मन धान एड़ती पे कर दे देगा, एड़ती ने कहो पीछे दे पीछे सही नहीं। ये 4500-4600 धान कह दे, 17-18 4200-4200 4000 4900 नू ले हुए हैं कि मैं पिपाले ले जाएंगे कि मैं ये ले जाएंगे, बताओ। ठीक है जी धन्यवाद। खटर ने वो कौन, खटर ने खाद कौन दिया? बुआरा कर लेंगे गर्त करेंगे। डीएपी नहीं मिल रही है, डीएपी आँखों में पानी नहीं, उसमें ओड़ा धरती में खाद नहीं। ठंडे टड़की उठ की जान दे करी खाद कौन मिलती भाई साहब? लोग खैर दुकान लगे सुते रहने का जो कमरिया दी पड़े रहने खागे में चलू रहे खाद मिलती क्यों नहीं भाई? बुआरा क्यों करोगा? बुआरा क्यों शुक्र होगा बुआरा बिना खाद होगा। दो दो किला में एक कट्टे में ठहरनी पड़ जाएगी तो थोड़ी करके तो गेहूँ कट लिखनी आगे फिर हैं फिर गेहूँ कमाओ है अड़का डाना है यो रेट को नहीं मिले तो जमींदार ने दाऊ रगड़ रखा है बामा रगड़ दे हैं कि मैं बस। ठीक है जी रुकी मारे 45-46 बीघे 17-18 बीघे मान जरूरत 4000 3900 4200 4100 अंडा न में क्या कमी है ना? कमी तो कुछ है सारा कौन किसी नायक हो रहा है पर ये नीचे करके अनका मैं खड़ी। तो साथियों भाई यो दिखा दिया आपने भाई, फिलहाल आसी मंडी में भी भाई जो किसान ने किसाना तो बात करी है तो भाई डीएपी की दिक्कत सारा ही हो रही है भाई। इब गेहूँ का बुआरा शुरू हो जाएगा, डीएपी मिल नहीं रही। और भाई बात तो इनकी भी सही थी, बाद में फिर नुकेंगे भाई दाना पतला है तो बिना खाद का तो भाई पतला है दाना रहेगा, हर औसत भी कम लगेगी भाई। तो भाई फिलहाल 11-21 आज बेक्या है भाई 4650 रुपये, एक 4665 रुपये भी बेक्या था भाई 11-21 हाथ की कटाई का, 4000 कंबाइन की कटाई का बेक्या है 11-21। बात करांगे 17-18 की, 17-18 धान बेक्या है भाई जो कंबाइन का बेक्या वो 4000 रुपये और हाथ की कटाई का 4400 रुपये। और 15-09 की बात करां तो 15-09 3600 रुपये हाथ की कटाई और 3200 रुपये कंबाइन की कटाई भाई। तो साथियों भाई फिलहाल माल मंडी में खूब आने लग रहा है डब की, और भाई लोडिंग भी होने लग रही है, और भाई माल भी खूब आने लग रहा है, भराई भी चल रही है भाई, तुलाई भी चल रही है। तो एक भाई किसान तो बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना नाम क्या है जी? सतपाल जी। अच्छा तो गांव कौन सा है? गड़ी। तो आप भी धान ले रहे थे? धान ले रहे जी। तो बेक लिया ना? पूछ दे उनको, सुबह आए थे, सुबह से कोई नहीं आया, बस देख के उल्टे चले जाते हैं के कमी काट रहे हैं। कमी को नहीं, माल ज्यादा आ गया, जान नखरे करे ग्यारह किन को पूछ दे को नहीं, बस 17-18 चाहिए। 17-18 कहाँ से लिया? 17-18 बोलिया जी, उनको 11-21 चाहिए। नहीं फिर 11-21 तो बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है तो पूछ दे को नहीं, 17-18 में फायदा आ गया, बिकना तो सारा इकट्ठा होगी सही हो, 11-21 बना दें 17-18 में भी आगे तो सारा इकट्ठा होगी जावा है। अच्छा अच्छा क्वालिटी वा 11-21 की बेरा कौन पट्टा है? बेरा कौन पट्टा है ये वा इन तो बेरा है, अपन तो कौन बेरा, वो आगे जाएगी वो सारा एक मिल के एक भेजते हैं, अपना बनुगे दे हैं ये तो 17-18 सस्ता ले हुए हैं, आगे जाके एक के भाभी का है ये
हाँ यो ही चल रहा है जी, ये सारी क्वालिटी एक हो जाए हग जाएगी। इवन को यो बोले आज आज 11-21 का बोले कोई आए नहीं रहा, 17-18 का कंबाइन का पूछ रहे हैं, कंबाइन का 1000 रुपये लॉस में बिक रहा है, ये 4.5 बिक रहा है, वो 3500 बिक रहा है, 3400 बिक रहा है, 1000 रुपये क्विंटल के हो गए। हाँ तो आप देखो उसमें तो फिलहाल आप आज तड़के ही ले आए थे? हाँ सुबह आए थे जी, रात में आए थे आज। क्या बजे? 12 बजे आए थे रात को। रात न 12 बजे गड्डी कितना किलोमीटर पड़ा सीधे? 10-12 किलोमीटर है, फिर जगह नहीं मिलती ना, रात को खुला मिलता है आने में। अच्छा। डालने के लिए जगह मिल जाती फिर रात को आते तो रात को आए थे। तो भाई ये देख लो भाई, किसान रात न 12-12 बजे आओ भाई तो और भाई जगह खातर है फिलहाल माल ज्यादा और फिर आने की आड़ नखरे हो जाए। हाँ भाई भले 11-21 नहीं भले 17-18 चाहिए तो भाई 11-21 तो बढ़िया बताओ भाई, खाने में बढ़िया बताओ है तो फिर इतने नखरे के ऊपर भाई रोड़ा यो है कि जमींदार का माल ज्यादा आने लग गया पाछ भाई सब क्या एक नखरे हो जाए हैं। उस टाइम नु कह रहा हूँ भाई नू बगा जाओ बस यो सौदा, जमींदार नू मरा है भाई, ना तो टाइम पर खाद मिलती ना DAP मिलती ना टाइम पर यूरिया मिले और भाई ना बा मिले, तो यह बात सही है कि नहीं है? सही है जी, अभी DAP नहीं मिल रही, कोर का टाइम आएगा तो यूरिया नहीं मिलेगी, सारा दिन सुबह 4 बजे आके लाइन में लगो तो तब नंबर आए तो आए नहीं, नहीं आए तब भी बोलेंगे एक कट्टा ले जा, 20 किला जमींदार एक कट्टा क्या करेगा, एक किला एक कट्टा डलता है एक बार में, तो 20 किले बो रहा है तो कहाँ से लाएगा यूरिया। अभी DAP नहीं मिल रही है, एक कट्टा 4 किलो में डाल रहे हैं तो वो पैदावार क्या होगी? होगी नहीं, फिर बाद में बोलेंगे दाना मंदा है दाना छोटा है, तो दाना छोटा ही हुआ जो उसको खुराक ही नहीं मिलेगी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। साथियों भाई ये है भाई मास रस्पेक्ट ट्रेडिंग कंपनी 69A, तो सेठ जी से बात करांगे एक बार तो के कुछ चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो भाई सब तो पहला बात करांगे 11-21 की, तो 11-21 का के बाजार चल रहा है? 11-21 4661 बिकी जी आज। हाँ जी। तो यो हाथ की कटाई? हाथ की कटाई। और कंबाइन की? कंबाइन 4200। अच्छा तो 17-18 का हाथ की कटाई का के बाजार चल रहा है? 4400 रेट है सिरा आज का जी। अच्छा और कंबाइन का? कंबाइन का 4000 4200। और बात करा 15-09 की? 15-09 अभी कम है, 3500-3600 आ रहा है माल। हाथ की कटाई का के बाजार चल रहा है? हाथ की कटाई का ही। और कंबाइन का? कंबाइन लो है 3300-3400। अच्छा तो फिलहाल भाई आवक तो खूब होने लग रही है? आवक खूब है, उठान कम है थोड़ा है, इसलिए आसी मंडी ने फैसला लिया है संडे के दिन मंडी बंद रहेगी, केवल उठान उठान होगा। हाँ जी। तो अरे ऐतवार की छुट्टी रहोगी? ऐतवार की छुट्टी रहेगी, सिर्फ 11वें महीने का। अच्छा 11वें। हाँ सिर्फ 4 संडे बंद रहेगा। अच्छा। हाँ जी। तो उठान होगा? उठान होगा सिर्फ जी। ठीक चलो ठीक है जी, धन्यवाद। तो साथियों बता दें भाई 11वें महीने में जो 4 ऐतवार आओगे तो उन दिन ना भाई मंडी बंद रहोगी आसी की भाई, तो कोई किसान साथी भाई कदे ऐतवार न लिया हुआ है और भाई आवे फिलहाल मंडी बंद मिले तो भाई क्यों है ये पूरा हफ्ता माल आवे है भाई, साथ की साथ इतना माल उठन नहीं पाता, माल का जोर हो रहा है और भाई तो उस दिन उठान होगा भाई ऐतवार ने भाई उठान होगा, जब तो आगे जगह मिलेगी भाई खाली होने, तो ऐतवार की 11वां महीना चल रहा है इसके 4 ऐतवार ने छुट्टी रहेगी भाई आसी मंडी की। तो साथियों भाई बता दिए आप आज के जो बाजार चल रहे थे, तो साथियों अपनी वीडियो कैसी लगी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना, घंटे का बटन दबाना। नमस्कार।